वेलकम यूर सविता पंडित सब्सक्राइबर्स। तो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए नोटिस आ चुका है। तो जिस जो भी वेट कर रहा था नर्सिंग एडमिशन के लिए, नर्सिंग क्या मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है उनका पोर्टल ओपन हो चुका है। तो ये PGIMS की वेबसाइट है। आगे जो भी स्टेप होंगे ना, जैसे जैसे भी काउंसलिंग होगी, सारा कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और ये नोटिस आज ही आया है 7 तारीख को। मतलब जो भी आगे जैसे भी सब सारा प्रोसीजर जो भी होगा, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, किस तरीके से फॉर्म फिल करने हैं, सब कुछ मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगी। पहले भी बताती थी, फिर बीच में वीडियो डालने बंद कर दी थी। सो एडमिशन नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। इसमें क्या होता है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, CET बोलते हैं जिसे, मतलब PGI लेता है, PGI रोहतक। उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, PGI एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, जितने भी हरियाणा में गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबके पेपर PGI लेता है। और सेंटर ऑलमोस्ट क्या, हर बार सेंटर रोहतक का ही बनता है, रोहतक के ही कॉलेजेस में और स्कूल्स में सेंटर बन के आते हैं इसका, CET का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, 8 तो कल तारीख है, कल से शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है सबमिशन की या कोई भी एडिटिंग करनी हो वो 22 तारीख तक करनी है। और जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब के लिए 750 हैं। और फिर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 28 तारीख को आ जाएंगे, और आपका जो CET है वो 2 तारीख को होगा, 2 जुलाई को, ठीक है। तो इसका फॉर्म आप लोग साइबर कैफे वाले के पास जाके भी फिल करवा सकते हो, और वहाँ से कोई अगर खुद से घर पे फिल करना चाहता है तो उसकी वीडियो मैं डाल दूँगी एक बार कल पोर्टल ओपन होने के बाद, कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। पोर्टल ओपन होने के बाद मैं अपना मतलब पूरी वीडियो बनाऊँगी। और इसमें शेड्यूल फॉर द, ठीक है, ये तो आगे का बस यही सब है। जो आपकी जो मेन बात थी वो यही थी। अभी एक बात और, कि हम इसमें CET का जो पेपर देंगे इसके थ्रू हम कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। नर्सिंग के अंदर हम BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक MSc और नर्स। MSc नर्सिंग के लिए तो अलग से एग्ज़ाम होता है, वो अभी हुआ ही था और उसकी लिस्ट भी आ चुकी है। मतलब जो अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज है ना, ये BSc वाले, इन सब के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो इस CET के थ्रू, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर, नर्सिंग के अंदर भी। उसके बाद आगे जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी मैं सब कुछ बताऊँगी, मतलब जैसे कितने नंबर वालों का एडमिशन होगा, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, सब कुछ, जो भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। और बाकी कल पोर्टल ओपन होने के बाद कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।